ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूँ आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। सिंधु सपूत अमर शहीद हेमू कालानी जी के 78वें शहीदी दिवस पर हम कोणार्क न्यूज की तरफ से उन्हें करते हैं कोटि कोटि नमन। उल्हासनगर के वीनस चौक पर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति को पुष्प अर्पित करने वालों की आज लाइन लगी हुई थी। आइए डालते हैं एक नजर। देखिए, आज हम सब इधर महान सिंधी क्रांतिकारी श्री हेमू कालानी जी को श्रद्धा के फूल उनके निमित्त अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री हेमू कालानी जी ऐसे महान सिंधी क्रांतिकारी थे जिनका मैं व्याख्यान एक ही शब्द में कंप्लीट करना चाहूँगी कि वो एक सिंधी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, पूरे समाज के, भारत समाज के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए एक वफादारी का प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हंसते हंसते फांसी का रस्सा चूमना ज़्यादा बेटर समझा, बेहतर समझा। उन्होंने अपने साथियों के नाम जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 1942 में थे, वो उन्होंने वो नाम मरते दम तक नहीं बताए, उन्होंने अपनी हंसते हंसते शहादत कबूल की। धन्यवाद एक बार फिर से। हम शहीद हेमू कालानी अमर रहे, शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। और हम उनके निमित्त श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, और आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे यूथ हैं, उनके लिए ये हमारा निवेदन है कि उनके जीवन से आने वाले समाज में सबको शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी जो आज भी गुल बनकर हमारे सामने खिले हुए हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनका स्वभाव, जिनकी संस्कृति, जिनका बलिदान हमें अपने स्वभाव में लेना चाहिए। सभी ने बताया कि उन्होंने मरते दम तक अपने साथियों से वफादारी की, अपने देश से देशभक्ति निभाई, तो बस ऐसे वीर सेनानी हेमू कालानी को आज हम याद कर रहे हैं। आप सभी भारतीय सिंधु सभा, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, माधु चेटवानी जी, जगदीश तेजवानी जी, सुरेश तल्लेजा जी, हमारे बोड़ारे साहब, भरत गंगोत्री जी, सभी जो भी संस्थाएँ यहाँ पर आए हैं, किनका नाम मैं लूँ, देवीदास बारवानी जी, JJS के सारे पदाधिकारी आए हैं, किनका नाम लूँ, आप सभी ने यहाँ इस बलिदान दिवस पर आकर एकता का जो सबूत दिया है, इसी उपलक्ष्य में, के बलिदान के उपलक्ष्य में ऐसे सेनानियों को हमें हमेशा याद करना चाहिए और अपने स्वभाव में भी वही प्रकृति लानी चाहिए। शहीद हेमू कालानी जो सिंध के थे, सिंध तमी मतलब पूरे भारत के, 21 जनवरी 1943 को मतलब आज के दिन उनका शहीद हो गए। आज स्वतंत्र के लिए जो झंडा हाथ में लिया था, वो भारत छोड़ो आंदोलन, जब महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, तभी असहकार या स्वदेशी का नारा देकर अंग्रेजों को जो उन्होंने जर्जर किया, जब उनके गांव में या उनके वहाँ से जो हथियार लेके ट्रेन जाने वाले थे, उसको पटरी उखाड़ने का काम उन्होंने किया, और उसमें अपने साथी कौन कौन है अंग्रेजों ने पूछा तो, लेकिन लास्ट तक उन्होंने बताया नहीं, फांसी का फंदा उन्होंने गले में डाल दिया, लेकिन देश के साथ, अपने साथियों के साथ गद्दारी या नहीं की। ऐसे बलिदान दिवस पर हम लोगों ने
उनकी खाली शहादत याद रखेंगे और अपने जीवन में अगर आचरण करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। शहीद हेमू कालानी, शहीद हेमू कालानी, भारत की आजादी के लिए जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे सिंध में से, यदि कोई हार्ट ब्लड का कोई सेनानी पैदा हुआ और यंगेस्ट सेनानी इंडिया में यदि स्वतंत्रता सेनानी हुआ तो वो थे हमारे शहीद हेमू कालानी, जो 19 वर्ष के की उम्र में उन्होंने शहादत का जो उन्होंने लेट की पट्टियां निकाल के यह मैसेज दिया कि हमारा जो अंग्रेजी साम्राज्य है वो हिंदुस्तान छोड़ के जाए और हमें आज़ादी दे। महात्मा गांधी की आंदोलन से वो लोग जो उन्होंने आंदोलन दिया करो या मरो, तभी उन्होंने करो या मरो को नारा को पकड़ के सिंध में उसने एक ही हमारा सिंधी सपूत था जो यंगेस्ट इन इंडिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए उन्होंने जान दी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। थाने जिले के ट्रैफिक विभाग ने युवाओं को नियमों के साथ जोड़ने की एक अनोखी पहल की है, फेसबुक पर पेज बनाकर। वहीं इंस्टाग्राम पर भी ट्रैफिक विभाग ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। थाने ट्रैफिक विभाग की एक पहल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शुरू किया एक पेज। थाने ट्रैफिक ब्रांच नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पेज खोला गया है। पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल ने कहा, इस पेज को शुरू करने का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। बाला साहेब पाटिल के अनुसार लोग इन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय हैं। जब लोगों को कोई सुझाव देना होगा या कोई शिकायत करनी होगी तो वे इस पेज के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमें भी लोगों तक कुछ मैसेज पहुंचाना है तो हम इस पेज के माध्यम से लोगों से आसानी से संपर्क कर सकते हैं, जो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा और जागरूकता फैलाएगा। अधिकारियों ने कहा कि वे इन दो प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि अधिकांश युवा यहां सक्रिय है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। गोल मैदान की सत्य परिस्थितियों से हम आपको लगभग रोज ही अवगत कराते रहते हैं। आज देखिए गोल मैदान परिसर की ताजा तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी महसूस करेंगे कि हमारे शहर के फेफड़ों में कितनी ऑक्सीजन है। उल्हासनगर कैंप क्रमांक एक के गोल मैदान के परिसर में मौजूद हैं। गोल मैदान परिसर की काफ़ी चर्चा आपने सुनी होगी सोशल मीडिया में भी, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखी होगी कि किस तरीके से तस्वीरों को डाला जाता है कि अब जो है तस्वीर बदलना शुरू हो चुकी है। लेकिन कई जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो देखिए इस प्रकार से तस्वीरें हैं। अगर आप गोल मैदान का पूरा गोल चक्कर लगा लें तो आपको इसी तरीके से ड्रेनेज के हालात दिखाई देंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर पिछले कितने सालों से इस ड्रेनेज को साफ नहीं किया गया होगा, कितने चुनाव हुए, कितने जनप्रतिनिधि बदल गए, कितने यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, चुनाव के प्रचार किए गए, बड़े बड़े मंत्री आए यहाँ पर, तो चुनाव के वक्त पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उस समय भी ये हालात इसी तरीके से थे। देख लीजिए ये ड्रेनेज है, आधा टूटा हुआ है और पूरा चौकअप है। ये शायद इसलिए नज़र नहीं आता होगा क्योंकि दोनों तरफ जो पार्किंग की जाती है गाड़ियों की वो भी एक समस्या है, देख लीजिए। और हाल ही में थोड़े दिन पहले जो है उल्हासनगर महानगर पालिका में 1 जनवरी को शहर की स्वच्छता को लेकर शपथ ली गई थी अधिकारियों द्वारा कि शहर को स्वच्छ रखा जाएगा, लेकिन अब ये हालात आप देख लीजिए किस तरीके से हैं। पूरा जो है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर ख़राब है। राजनेताओं से यदि बात करें तो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है तस्वीर बदलेगी, लेकिन आखिरकार कितना समय लगेगा इस तस्वीर को बदलने में, क्योंकि बरसात के समय में ये जो है काफ़ी और ख़राब हालात में हो जाते हैं। ये देख लीजिए किस तरीके से जो है हालात हैं इसके। ये जो है पूरे गोल मैदान में जिस तरीके से पूरा गोल सर्किल है, ये पूरे ड्रेनेज के हालात इसी तरीके से हैं। दोनों तरफ गाड़ियाँ भी पार्क कर दी जाती है जिससे काम नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्याएँ होती है, और ये जो हालात है आप देख लीजिए। इस हालात में शाम के समय में भी जो गार्डन यहाँ पे बने हुए हैं, आसपास में लोग आते हैं खाने पीने के लिए, ख़ास करके लोग यहाँ पर आते हैं, और बीमारी जिस तरीके से फैली हुई है, बर्ड फ्लू भी जो है अब दस्तक दे चुका है शहर में, कई तरीके की बीमारियाँ हैं, प्रदूषण भी है, और उसके साथ ये गंदगी शहर के नागरिकों को किस तरीके से स्वास्थ्य का जो है ख़राबी देगी वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। देखना है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ यहाँ की बदल पाती है।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोविड महामारी में स्कूल तो बंद हैं ही, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई किस तरीके की चल रही है ये तो आपको रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। इसी बीच में घटनाएं इस तरीके की आ रही हैं कि आपकी दिलचस्पी का कारण बन सकती हैं। ऑनलाइन लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लिखकर भागा 8वीं कक्षा का विद्यार्थी। कोरोना काल में बंद कर दिए स्कूल अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। कोरोना संकट का प्रादुर्भाव भले ही कम हुआ है, पर संकट अभी तक टला नहीं है। उसके कारण कई राज्यों में स्कूल अभी भी बंद है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन क्लास में सिखाया हुआ कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लिखकर गुजरात के सूरत शहर में एक तंबाकू विक्रेता का बेटा घर से भाग गया। यह बच्चा महज 8वीं कक्षा में है। सोमवार को अपने घर से यह 14 साल का नाबालिग भाग गया था। घर से 280 किलोमीटर दूर मुंबई के मीरा भाईंदर परिसर में यह लड़का मिला, ऐसा पुलिस ने बताया है। कुछ दूरी साइकिल चलाकर, कुछ दूरी ट्रक में बैठकर यह लड़का 280 किलोमीटर दूर पहुंच गया। पुलिस ने बताया है कि सूरत में रहने वाला यह विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस और नोट से त्रस्त हो गया था, इसके कारण वह घर छोड़कर भाग गया था। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है तो दो कदम कचरे की गाड़ी तक चलकर ही जाना पड़ेगा, वरना कचरे की गाड़ी आपको ले ही जाएगी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शिव नेहरी अस्पताल के सामने की सड़क अब भी नहीं बनी है। आज भी एम्बुलेंस चालक महानगर पालिका की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं और सोचते हैं कि मनपा का मुखिया डॉक्टर है तो शायद उनकी इस दर्द भरी मांग को पूरा करेंगे। कुछ समय पहले हमने आपको उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के शिव नेहरी अस्पताल के रास्ते की खबर बताई थी कि किस प्रकार से ये जो रास्ता है ये काफ़ी सालों से लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। और यहाँ पर जो एम्बुलेंस चालक रहते हैं उनसे भी बातचीत की गई थी, उनसे भी पता चला था कि कितनी दिक्कतों का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि जब वो पेशेंट को यहाँ पर आपातकालीन समय में लेके आते हैं तो रास्तों की वजह से काफ़ी दिक्कतें उन्हें होती है। शिव नेहरी अस्पताल की इस रास्ते की तस्वीर अब तक जो है जो कि तो है शहर के कई इलाकों में, इसके आसपास के इलाकों में जो है काम किया गया है डांबरीकरण का, लेकिन अब तक जो है इस रास्ते को जो है नहीं बनाया गया। आप देख लीजिए कि हालात जो है पहले की तरह ही बदतर हैं। ये रास्ता सिर्फ शिव नेहरी अस्पताल को ही से ही दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो शमशान भूमि पड़ती है और उस शमशान भूमि में जो शुरुआती रास्ता है वो भी काफ़ी ख़राब है, जिसके वजह से अंतिम यात्रा ले जाने के समय में भी लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौर करने वाली बात है कि अस्पताल के बाहर ही ठीक इस तरीके से हालात है। ये शहर का एक ही ऐसा रास्ता नहीं, शहर के कई ऐसे और रास्ते हैं जहाँ पर इसी तरीके से हालात हैं और उस पर किसी भी तरीके का सुधार नहीं होता। डांबरीकरण तक यहाँ पर जो है नहीं किया गया। आप देख लीजिए किस तरीके से हालात जो है अभी भी जो के त्यों हैं। काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर होती है लोगों को, जब खास करके मरीजों को अस्पताल में लाया जाता है शिव नेहरी अस्पताल में। तो देखना यह है कि जो कि वादे किए गए हैं कि जनता के लिए जो है कार्य किए जाएंगे, जो बड़ी निधियां पास की जाएगी जनता के काम के लिए आएगी, लेकिन जो है अब तक सिर्फ आश्वासन ही है। देखना यह है कि इस जगह की जो हालात है वो किस प्रकार से बदलते हैं। साथ ही इस ड्रेनेज को भी देख लीजिए, नाला है पूरी तरीके से भरा हुआ है, सूखी मिट्टी पत्तों से भरा हुआ है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है। देखिए अगर रोज़ाना साफ़ सफाई की जाए तो क्या ये हालात यहाँ पर नज़र आएंगे? आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर जो है मनपा के सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, इसलिए ये हालात है यहाँ पर। देख लीजिए बरसात के समय में यही पूरा भर जाता है पानी, क्योंकि पहले से ही मिट्टी और इसके ऊपर पत्ते जमा है और कई अलग वस्तुएँ पन्नियाँ जो है जमा हैं, और बरसात के समय में यही जो है कारण बनता है यहाँ पर पानी भर जाने का। तो देखना है कि किस तरीके से सुधार यहाँ पर आता है आने वाले समय पे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। थाने के दो नाबालिग लड़कों ने 5 लोगों को चाकू दिखाकर लूट लिया। नाबालिग लड़कों की ऐसी हरकत से माँ बाप तो सकते में है ही, पुलिस विभाग भी चौंक गया है। दो नाबालिगों ने एक ही दिन अलग अलग जगह पर लोगों को चाकू मारकर लूटा। एक चौंका देने वाली घटना थाने में दो नाबालिगों ने 5 लोगों को घायल कर लूट लिया।
इस तरह के झटके केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर 3-4 घंटे के अंतर में लोगों को घायल कर लूटा। पहली घटना 12:30 पर नितिन कंपनी के पास एक व्यक्ति को छुरा मारकर मोबाइल और पैसा लूट लिया। दूसरी घटना 12:40 पर दीपक विश्वकर्मा कैडबरी जंक्शन के पास छुरा मारकर पैसा लेकर फरार हो गए। तीसरी घटना 12:45 पर चोलसर इलाके में रिक्शा चालक रशीद मुगल पर चाकू से हमला कर पैसा लेकर फरार हो गए। ऐसी कई जगह पर दो नाबालिगों ने इस जुर्म को अंजाम दिया। घटना के समय थाने पुलिस के नियंत्रण कक्ष में एक के बाद एक फोन कॉल बज रहे थे। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी की और जैसे ही चोर चितलसर पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तब वो दोनों नाबालिगों ने बताया कि हमारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने लूटने की योजना बनाई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। समाज मंदिर में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि यहां वैक्सीनेशन सेंटर खुलेगा तो सामाजिक कार्यक्रम कहां करेंगे। आज महानगर पालिका में माननीय आयुक्त साहब के साथ में मुलाकात करने का हमारा जो विषय था वो उल्लासनगर प्रभाग समिति 3 उसके सामने वाल्मीकि समाज हॉल है जिसको अभी बदलकर कोरोना वैक्सीन जो आई है उसको लगाने के लिए जो सेंटर है उसको उसमें तब्दील किया गया है। इस विषय पर आज हम माननीय उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त साहब दयानिधि जी उनसे मुलाकात करने आए थे, पर वो मीटिंग में बिजी होने की वजह से हमारी मुलाकात आज हो नहीं पाई है, लेकिन हमने फिर भी जो पत्र है लेटर है वो सबमिट किया हुआ है और हमारी उस पत्र के द्वारा माननीय आयुक्त साहब से मांग है कि उस परिसर में रहने वाला जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उनके लिए मात्र एक वो हॉल है। ख़ास तौर पर मैं मेंशन करना चाहूँगा वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं जो बड़ी संख्या में उस पूरे परिसर के अंदर रहते हैं उनके किसी भी छोटे मोटे बड़े कार्यक्रम के लिए मात्र वो एक हॉल है जिसके अंदर वो अपने कोई भी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन महानगर पालिका ने उसको वैक्सीन लगाने के लिए जो सेंटर होता है उसमें तब्दील किया हुआ है। वहाँ पर पूरा उन्होंने रेनोवेशन कर उसको बनाया हुआ है। अब ये वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम कितने लंबा चलेगा इसके विषय में हमें मालूम नहीं है, इसलिए आज महानगर पालिका आयुक्त साहब से मुलाकात कर हम उनको ये बताना चाहते थे कि आप या तो ये हॉल जो है इसको हमें फिर से दें या फिर सामने जो VTC ग्राउंड है प्रभाग समिति कार्यालय है उसके अंदर इसको शिफ्ट करें। अगर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम उसके अंदर किया हुआ है तो VTC जो ग्राउंड है प्रभाग समिति 3 का जो कार्यालय है उसके अंदर कई ऐसे बड़े बड़े हॉल हैं मुफ्त में वाल्मीकि समाज और वहाँ का जो गरीब या फिर कह सकते हैं मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है जो 25-30 हज़ार रुपया हॉल के लिए बैर नहीं कर सकता दे नहीं सकता ऐसे व्यक्ति के लिए लिखित रूप में हमें दिया जाए कि वो VTC ग्राउंड के जो हॉल है प्रभाग समिति के अंदर जो हॉल हैं उनके अंदर अपने प्रोग्रामों को कर सकते हैं। इस मांग को लेकर हम आए थे और उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आयुक्त साहब मीटिंग में होने की वजह से आज हमने पत्र सबमिट किया है और जल्द हम उनसे मुलाकात करेंगे। हम शांत नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ के स्थानिक लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है। साल भर भी चलता है तो साल भर में वहाँ के जो प्रोग्राम्स उनके होने हैं वो कहाँ होंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में वंचित बहुजन आघाड़ी में युवाओं को प्रवेश देकर जिला अध्यक्ष ने युवाओं को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर एक नए समीकरण को जन्म दिया है। मैं शेषराव आगमरे वंचित बहुजन आघाड़ी उल्लासनगर का मैं अध्यक्ष हूं और यहां पे प्रभात गार्डन के बाजू में हमारा कार्यालय है वंचित बहुजन आघाड़ी का। यहाँ पर आज एक मीटिंग कराई गई उसमें हमारे नितिन मोरे साहब और उज्ज्वल महाले साहब इन्होंने उनके साथियों के साथ तो बड़े तादाद पर वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया है और मैं उनको प्रथम बधाई देता हूँ
कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और आने वाली 2022 में उल्लासनगर की जो इलेक्शन होने वाला है, इस मौके पर हमारा ये जो प्रवेश है ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। और हम उल्लासनगर शहर में विभाग विभाग में घूम रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग पार्टी से हमारे जुड़ के काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। पार्टी आगे बढ़ रही है और आने वाले इलेक्शन में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आने आएगा, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हम आप तक जो समाचार पहुंचाते हैं वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे एक प्रतिनिधि ने लाई है आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर, तो चलिए देखते हैं। काफ़ी दिन से हमें उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 जो कि ये परिसर की अगर बात करें तो शमशान भूमि के पीछे का परिसर है, कैंप क्रमांक 5 कहेंगे, भाटिया चौक से ये स्टेशन की तरफ जाता है। यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो कि भूखंड पड़े हुए हैं, जहाँ पर स्कूल के निर्माण का कार्य चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, बंद है, लेकिन यहाँ पर जो है रात के समय में असामाजिक तत्व ढेरा जमाए रहते हैं, तो उसी को देखने के लिए जो है हम पड़ताल करने के लिए आए हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके के असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। अब हम जो है अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है गिलास आप देख सकते हैं और पन्निया आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि चखना विखना पड़ा हुआ है, गिलास विलास पड़े हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर असामाजिक तत्व डेरा लगाए रखते हैं, इसका सबूत नज़र आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय में यहाँ पर पीने खाने के बाद जो है लोग झगड़ा भी करते हैं और नशा यहाँ पर बड़े पैमाने में किया जाता है। तो देख लीजिए आसपास में जो है गिलास और चखने की जो पन्नियाँ होती है जो कि इस्तेमाल में लाई जाती है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग उस तरफ बैठे हुए हैं लेकिन बड़ी तादाद में हैं, तो उस तरफ जाना एक ख़तरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यहाँ किसी तरीके से जो कि बताए गए हैं कि रात के समय में जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, हथियार निकाले जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि इस तरीके से जो परिस्थिति है ये बनी हुई है यहाँ पर। और इसके पास में आप पीछे इस तरीके का पीछे जो है वो हिस्सा देख सकते हैं, वहाँ पर भी जो है इसी तरीके की नशे की जो है शिकायतें लगातार आ रही है कि लोग वहाँ पर जो है नशा करते हैं, तो उस तरफ भी जाके देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो प्लास्टिक के गिलास हैं, सिगरेट है और कई जगहों पर जो है वो आपको नशे की जो कि चीज़ें हैं वो नज़र आएगी। इस इलाके से भी जो है लगातार शिकायतें आती है कि इस जगह पर भी आप देख लीजिए कि खंडर जैसा ये जो है बना हुआ है और यहाँ पर भी जो है असामाजिक तत्वों द्वारा नशा किया जाता है, ऐसी शिकायतें आती है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि गिलास और जो है खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है। कुछ लोग अंदर हैं, आवाज़ें आ रही है, आसपास के नागरिक जो है काफ़ी डरे हुए हैं यहाँ के, क्योंकि अगर वो इसके बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें जो है डराया धमकाया जाता है। देख लीजिए ये पूरा खंडर वाला इलाका है और यहाँ पर जो है लोग असामाजिक तत्व ढेरा बनाए रखते हैं। स्थानिक लोगों ने भी इसके बारे में कई बार शिकायतें की है कि लगातार यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा जो है कहीं ध्यान देना चाहिए, पेट्रोलिंग जो है लगातार करनी चाहिए। आप देख लीजिए कि खंडर जो बना हुआ है यहाँ पर, इन जगहों पर जो है असामाजिक तत्वों द्वारा नशागर्दी की जाती है, बड़े पैमाने में की जाती है, यहाँ तक कि कई बार तो हाथापाई और गाली गलौच के भी मामले सामने आए कि रात के समय में जो है नशा करने के बाद ये यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी करते हैं। देख लीजिए यह परिस्थिति है, शमशान भूमि के पीछे का इलाका है और ये जो है एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है विद्यालय को लेकर, और साथ ही टर्फ भी यहाँ पर बना हुआ है, देख लीजिए ये टर्फ भी यहाँ पर जो है बना हुआ है, तो यहीं पे लोग जो है बैठते हैं और नशे का यहाँ पर कहें तो एक तरीके से आनंद लिया जाता है। और उसके बाद जो है शहर में आप तो देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार क्रिमिनल घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, तो उसका कारण यही है कि ऐसी जगहों पर जो है ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए और यहाँ पर जो कि युवा आते हैं नशे
में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए उन पर जो है सख्ती यहाँ पर करनी चाहिए। आसपास के इलाकों के नागरिक इसके बारे में जो है हमसे बात करने के लिए डर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि शिकायतें यहाँ पर हमने की है पुलिस प्रशासन को, पुलिस को भी इसके बारे में पता है, लेकिन वो डर के मारे सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि कहना यह है कि आज अगर हम कहेंगे तो वो कल के समय में हमें डराते हैं, धमकाते हैं और जो है उन्हें धमकी दी जाती है। तो देखना यह है कि यहाँ पर किस तरीके से अब पुलिस प्रशासन इन पर लगाम लगा पाएगा, क्योंकि काफ़ी जो है यहाँ से आपने सुनी भी होगी कि घटनाएं, मारपीट की घटनाएं होती रहती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नजर अन्य खबरों पर। आगामी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला आपली जागा समजून येईल असा गारवित इशारा विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले यांनी दिला आहे। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव संजय दत्त यांच्या घरी पाटोले यांनी स्वदिच्छ भेट दिली। सर, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पदासाठी आपलं नाव सुरू आहे, काय सांगितलं? मी सुरुवातीला सांगितलं की पक्ष जे आदेश देईल त्या आदेशाचं पालन करणं हे काँग्रेस कार्यकर्ता म्हणून माझी जबाबदारी आहे आणि जी जबाबदारी आहे तिला चांगल्या पद्धतीने सांभाळ। मंगळवारी घोषणा होणार होती, हायकमांडचं डिसिजन आता तो आज करा की उद्या करा हे हायकमांडला आम्हाला सांगता येत नाही ना, त्याच्यामुळे जेव्हा पक्ष निर्णय घेईल तो योग्य वेळ राहील असे असा विश्वास आहे। पहिली गोष्ट आहे की अजूनही या पद्धतीची कुठलीच चर्चा झालेली नाही आणि त्याच्यामुळे आत्ता त्याच्यावरचं वक्तव्य करणं बरोबर नाही। असं आहे की बीजेपी पक्ष कसा आहे हे आता भारतातल्या जनतेला कळायला लागलेलं आहे। खोटं बोला आणि रेटून बोला ही जी त्यांची भूमिका आहे ती आता स्पष्ट होत आहे, त्याच्यामुळे हे काही तिकिटावर निवडणुका होत नाही। आता येणाऱ्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना त्यांचं जागा त्यांना कळेल। आपल्या लक्षात असेल की आत्ता ज्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका झाल्यात त्याच्यामध्ये खरं तर त्यांनी कोल आता ओळखला पाहिजे की जनतेचं मत आता त्यांच्याबद्दलचं कसं चाललेलं आहे आणि पदवीधर मतदारसंघात सगळे सुशिक्षित लोक असतात, त्यामुळे त्या गोष्टीचंही समजा गांभीर्य त्यांनी घेतलं नाही आणि आता जे वक्तव्य करतात आहेत तर त्या वक्तव्याला अर्थ नाही। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके परिसर में कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।